सबों का स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो हो सकता है स्पेशल तो होने वाला ही है, और भी आप लोगों को बहुत कुछ देखने मिलेगा जो कि आप लोगों को स्पेशली गांव में देखने मिलेगा। तो हो सकता है बहुत सारे लोग अभी के टाइम में हो सकता है नहीं भी देखने मिलता, बहुत सारा चीज़ होता है ना कि वो चीज़ मतलब एक्सटेंट होते जा रहा है, जैसे कि छुपता चला जा रहा। पहले नानी टाइम में हम लोग ये सब चीज़ देख पाते थे, तो सबका यूज़ भी होता था, पर अभी वो सब चीज़ यूज़ भी नहीं हो रहा। लेकिन इसमें से हम बस पांच चीज़ बताएंगे आप लोगों को, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग ये सब चीज़ देख पा रहे हैं कि नहीं आजकल। दोस्तों ये देखिए, आप लोग इसको देखे हैं कि नहीं, क्या है बोलते हैं? हाँ, इसको ना हम लोग मतलब अपना हो भाषा में सुकू बोलते हैं। तो ये लौकी का ऐसा वाला शेप वाला है, तो फिर इसको भी आप लोग देखेंगे, इसका दो तरह का होता है, एक तो ये और एक तो लंबा वाला होता है। तो इसको हम दिखा रहे, देखें इसका ना पहले टाइम में क्या होता था ना, हम लोग का मतलब मांगे या फिर कोई भी त्यौहार होता है ना उसमें हम लोग इसको दो फाड़ करते हैं और इसका यूज होता है। वो भी क्या निकालने के लिए पता है हम लोग, मतलब हाँ नहीं मतलब कुछ भी निकाल सकते। पहले टाइम में क्या होता ना कि अभी तो मांगे पर्व में खैर चाटू में तो खाना चढ़ाया जाता है, प्लस हम लोग वो करछू से निकालते हैं ना अभी के टाइम में। लेकिन पहले नानी के टाइम में क्या होता है ना, ये वाला फल जब हम छोटे थे तो उस टाइम में ना इसका दो फाड़ किया जाता था। रुको, इसका देखिए, इसको हाफ कर दिया जाता है टू पार्ट्स में और इसका ऐसा यूज होता है। देखिए ऐसा दिखता है, इसको कभी देखें आप लोग क्या, ये पर्व में ना क्या होता है इसको, इसे मतलब हाड़ियाँ भी निकाला जाता था, अभी ना ये सब से किया जाता है, मतलब कोई भी जग वगैरह। पहले टाइम में क्या होता था ना, इससे हाड़ियाँ भी निकाला जाता था और इससे भात और दाल निकाला जाता था। देखिए ऐसे निकालने का काम आता था, ऐसे करके निकाल के दिया जाता था, पर अभी लुंडी से निकाला जाता है, मतलब करछुल बोला जाता है उसको ना। चलिए और भी बहुत कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, करछुल देखिए मेरा चप्पल टूट गई, कैसी वाला है, कुत्ता का दिया ना कि क्या हो गया मेरा चप्पल। और दिखाएंगे आप लोगों को, वो आप लोग देखें कि नहीं, मतलब हम भी नहीं देखे। ये वाला जंगल में देखने को मिलता है, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइए। इसको हम लोग ना मतलब क्या बोलेंगे, सरजुम, नहीं कम बोलते हैं उसका फल है, इसको हिंदी में चीहर बोलते हैं। तो देखिए इसको आप लोग कभी देखें, इसका फल देखिए ऐसा होता है मखमल टाइप का, देखिए पूरा आई वाला है, ये देखिए ये ऐसे ये वाला पता है जंगल में होता है, बाबा बोलते हैं। हम कभी इसका ये नहीं देखे, मतलब क्लाइंबर होता है, सुनते हैं लत होता है, और इसका जो पत्ता होता है इसको हम लोग बहुत सारा ये मतलब हम लोग का पर्व वगैरह सब में यूज होता है, खोली वगैरह बनाते हैं, और फिर हम लोग जो भी मतलब होता है ना कि खरीद लो, क्या खरीद लो नहीं है। इसका जो पत्ता होता है ना वो सब चीज हम लोग मतलब पूजा वगैरह में यूज करते हैं, जो कि हम लोग को जो भी नहीं रहे हमारे बीच में, टूट गया मेरा चप्पल, हाँ जो भी नहीं रहे हमारे बीच में उन लोगों को हम लोग जो पूजा करते हैं उसी पत्ता में देते हैं। जो हम वीडियो डाल चुके, आप हमारे नहीं देखे तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों इसका और एक चीज पता है, ये बाबा बोलते हैं, माँ लोग बोलती है, पता नहीं, ये वाला जब होता है ना पक जाता है या सूख जाता है जो भी होता है, और ये फटता है ना तो लगता है ना कि कुछ फट गया, ठा करके आवाज करता है, बोलती है बहुत ज्यादा साउंड के साथ। और इसका फल जो होता है ना उसको खाया भी जाता है, उसको थोड़ा सा पका, जी का चप्पल नहीं है, पका चप्पल खरीद दो। तो हाँ, तो ये चीज आप लोग कभी देखे कि नहीं बताइए, हम भी इसको फल में तो देखे नहीं है, बस इसको माँ खरीद करके लाइए। देखिए इसको हम लोग मतलब पर्व में यूज होता है, बाह पर्व में शायद या कोई पर्व होता, पता नहीं पर्व का नाम नहीं पता, बट इसको पूजा किया जाता है। और भी कुछ दोनों को चप्पल खरीदा। और भी बहुत सारा चीजें देखिए, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मर जाएगा पागल, इसको क्या बोलते हैं बताइए, ये ना इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिल्क वर्म, हिंदी में हाँ हिंदी में वही कीट वाला लुमेंग, और ये बदोड़े जैसे नहीं रहेगा। और देखिए इसको हम लोग ना हो में ना अपना भाषा में लुमेंग बोलते हैं। ये देखिए ये वाला ना अंडा टाइप का दिखेगा, देखिए इसके अंदर में कुछ कीड़ा रहता है जिसको कि मतलब ये किया जाता है, चारा किया जाता है, ऐसे हम लोग जनरली अर्जुन पेड़ में करते हैं बहुत सारे लोग। इसका अभी गाँव सब में ना इसका प्लांट लगाया जा रहा है, और उसको बड़ा करके वो लोग कीट वाला सर्विस करेगा, मतलब जिससे हम लोग का कपड़ा सब बनता है, सिल्क हम लोग बोलते हैं ना सिल्क कपड़ा पहनेंगे, सिल्क साड़ी, तो वही वाला। दोस्तों बताइए आप लोग ये सब देखे कि नहीं, इसका कीड़ा हम देखे पता है, हम लोग का जो अमरूद, हाँ वहाँ पे बोरिंग जगह में अमरूद पेड़ है ना, इसका जो कीड़ा होता है ना बहुत सुंदर दिखता है, उसमें आपको देखने मिलेगा ना कि वो थोड़ा सा साइन करता है ऐसे चकमक चकमक ऐसा टाइप का, अच्छा दिखता है, लेकिन वो मतलब
बहुत सुंदर मतलब कलर होता है उसका, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। तो बताइए ये वाला आप लोग देखे हैं? देखिएगा तो देखिए। कछुआ है ना, होरो बोलते हैं हम लोग उसको हो में, और इसको इंग्लिश में ऐसे टॉर्टोइस बोलते हैं। तो इसको हम लोग मतलब इसका बहुत सारा यूज होता है, तो इसके का का करके खत्म हो गया, इतना ही बचा हुआ है, कौन खाएगा बताइए। हाँ, तो इसका यूज कुछ होता है मेडिसिन वाला के लिए, मतलब इसका काम दवा का काम से होता है। तो बहुत सारे लोग बाबा बोलते हैं ना कि बाबा सिर भी होता है ना, बाबा सिर का आजकल बहुत सारा कंप्लेन आ रहा है। ये देखिए, और ये पता है मिलने नहीं खोजता है, ये देसी वाला दवा। बहुत सारे लोग होते हैं ना गाँव में देसी वाला दवा करते हैं, तो वो देसी वाला दवा का यूज होता है ये सब चीज। तो इसके लिए भी एक काम आएगा बोल करके बाबा इसको लेकर के रखे हुए, बहुत सारे टाइम में काम आएगा बोल करके। अभी और एक चीज दिखाएंगे। बाबा इसको नहीं उतार रहे, बोलते हैं कि इसका बहुत अच्छा मतलब काम करता है, पता नहीं इसका कोई जाएगा तो टाइम देख के जाएगा बोलती है। हाँ, तो इसको बताइए आप लोग के घर में किसके किसके घर में है, और टाइम टाइम पे मिलता नहीं है इसीलिए बाबा इसको ले लेकर के रखे हैं। चाहिए तो आइए कॉन्टेक्ट कीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों अभी और एक चीज दिखाएंगे जो आप लोगों को ना मतलब किसान लोगों के घर में ही ये सब चीज देखने मिलेगा, तो हो सकता है मतलब आप लोगों के घर में भी हो, तो चलिए हम वो चीज दिखाएंगे आप लोगों को। पंखा पूरा हिलाएंगे, तुमको पसीना आ रहा है तो आओ इधर पंखा चला देंगे। हमारा धान के टाइम में यूज होता है, इसको पूरा चलाया जाता है, क्योंकि अभी मतलब बहुत टाइम में होता है ना कि हवा नहीं चल रहा है। पहले टाइम पे क्या ये सब का कोई यूज नहीं करता था उतना, दादी के जमाने में। इसको बाबा लॉक करके रखे हैं, तो देखिए इसको मतलब उधर खलियान लेकर के जाता है, पूरा चलाता है। चला तो दोस्तों बताइए आप लोगों के घर में कि आप लोगों के किसके किसके घर में ये वाला पंखा है, और हम लोग यहाँ भी बाबा लेकर के आए हैं। चला जल्दी से, तो दोस्तों ये वाला देखिए, ये चीज ना जब धान उड़ाया जाता है ना उस टाइम के लिए ये वाला यूज होता है। अभी मतलब बुई बुई जैसा इतना जोर से पकड़ के उसको पूरा ऐसे करके हिलाया जाता है ना, ऐसे करके हिलाया जाता है, मत करो तुम भी ऐसे हिला रहे हो, अच्छा से खेल रहा है वो ना, गिर जाता है कभी कभी, हवा आ रहा है सही में, हवा आ रहा है मत करो, गिर जाएगा तो बहुत डर लग रहा है, अच्छा लग रहा है पता है। तो इसी से ही धान उड़ाया जाता है, जब भी मतलब धान को ये किया जाता है ना उसको, तो इसी से उड़ाया जाता है। बताइए दोस्तों आप लोगों के घर में किसके किसके घर में ऐसा प्रोसेस होता है, लेकिन पहले टाइम में तो क्या होता था, जो हम लोग का प्राकृतिक वाला हवा चलाएंगे पूरा, जो प्राकृतिक हवा ना उससे उड़ाया जाता था ऐसे लेके सूप लेके, लेकिन अभी इससे करता है, और अभी इलेक्ट्रिक वाला सबसे भी करता है आदमी, जिसका खलियान दूर में तो क्या करेगा, बिजली कहाँ से लेके जाएगा, तो इसीलिए इसी से करता है। दोस्तों बताइए आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ढेर सारा शेयर कीजिएगा ताकि हमको भी अच्छा लगे, और आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग लाएंगे। और दोस्तों देखिए आम इस बार पता नहीं फलेगा कि नहीं, कैसा हो गया पूरा उजाड़ सिंह, सही टाइम में बारिश भी नहीं, सूटी तो पूरा बुरा होने जा रहा है, पता नहीं ज्यादा है। चलिए आज के लिए यही तक रखते हैं ब्लॉग को, तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ढेर सारा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिए पे। और फिर लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया ब्लॉग के साथ, तो चलिए बाय 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 चुम्मा दीदी। अरे इसको बांध दो।